नमस्कार, मैं सोरम वॉइस ऑफ द शिल्ड पर यह लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हूं हरियाणा के करनाल से, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि निर्मल कुटिया चौक पर आज कुलदीप बिश्नोई जी पहुंचे। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, क्योंकि भव्य बिश्नोई की जीत के बाद पहली बार करनाल। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें आप देख रहे हो हरियाणा के करनाल से, जहाँ पर आप सारा श्रेय मैं आदमपुर हल्के की जनता को देता हूँ और मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली को और बधाई देना चाहता हूँ आदमपुर हल्के की जनता को, जिन्होंने हरियाणा के पप्पू को और जयप्रकाश गोलियों करके घर के बाहर कर दिया। अब बात बची भूपेंद्र हुड्डा की और आने वाले समय में उनकी जगह कुलदीप बिश्नोई जी। 2009 में चौधरी भजन लाल को कांग्रेस ने जो धोखा दिया था, क्या उसका बदला ले लिया गया इस भव्य जीत से? देखिए, दो बार इलाज मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर दिया है, एक बार राज्यसभा चुनाव में, दूसरे चुनाव में लोकसभा और चौथा जेल की सलाखें, उसके बाद ये मतलब अभी बदला बाकी है। कुलदीप जी, यूनिकोड को कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया। यूनिकोड क्या हम सिविल यूनिकोड सिविल कोड देखिए, ऐसा है कि अभी फिलहाल मैं और सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैंने उनको कहा था कि दो सवाल मेरे से पूछवाना, क्योंकि मेरे कार्यक्रम बहुत लंबे हैं करनाल के, उसके बाद क्षेत्र माला करते। इंतजार तो आपने दो घंटे करवा दिया सर, इंतजार तो आपने कि भाई आप चौधरी भजनलाल परिवार पर जिस प्रकार का विश्वास बनाए रखते थे, उसी प्रकार का विश्वास आगे बनाए रखिए, जो चौधरी भजनलाल जी के सपने खट्टर साहब और मोदी साहब और मिलकर हम लोग का पूरा करें। हाँ, यह जो डूब चुका है और ये लोग देश की जनता ने पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी बहुत पहले सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में थी, सुसाइडल मोड पे थी, कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी, कोई भविष्य। एमसीडी चुनाव को कैसे